मंडला के उत्कृष्ट विद्यालय में जिला शिक्षा समिति के जिलाध्यक्ष ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान छात्राओं की समस्याओं का तुरंत निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। उत्कृष्ट विद्यालय की छात्राओं ने बताया कि उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल परिसर में अव्यवस्था फैली हुई है, इतना ही नहीं खेल मैदान के हाल भी बुरे हैं। उत्कृष्ट विद्यालय के शिक्षकों ने बताया कि कॉलोनियों का गंदा पानी खेल मैदान में भर जाता है, जिस वजह से स्कूली बच्चों में संक्रमण का खतरा बना हुआ है। जिला शिक्षा समिति के अध्यक्ष कमलेश तेगाम ने समस्या सुनने के बाद जल्द ही समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया है। के उपलक्ष्य में हमारे बीच उपस्थित शिक्षा समिति के अध्यक्ष तेगाम साहब, हमारे बीच में उपस्थित तिवारी जी, हमारा समस्त स्टाफ, पत्रकार बंधु और प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम इस अवसर में यहाँ पर उपस्थित होकर के अपने विद्यालय की विभिन्न समस्याओं का अवलोकन कराया और उस अवलोकन के तहत कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो हमें उच्च अधिकारियों तक पहुंचानी होगी, उसकी बिंदुवार जानकारी प्रचार महोदय के द्वारा पहुंचाई जाएगी, ताकि हमारे बीच जो सभापति महोदय हैं उनको उन समस्याओं का समाधान हेतु जो है अग्रिम कार्रवाई में हमें सहयोग प्रदान करेंगे। सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद। यहाँ भी इकट्ठा हो जाती है, सही ना, तो परेशान नहीं। अब खुलवाते हैं उसको। अब इससे जाहिर है अध्यक्ष महोदय कि टीचर स्टाफ तो बोलता रहो, बच्चे भी कहीं ना कहीं से परेशान, तो वो सुविधा मिलनी चाहिए इनको। 1000 बच्चे और किनारे से इतना, दो गेट भी। और अध्यक्ष महोदय, जिले का ये गौरव है कि हमारा रत्न विद्यालय या उत्कृष्ट विद्यालय जो मतलब अच्छी संज्ञा में आता है, उसमें ये विडम्बना, बड़ा दुर्भाग्य है हमारे जिले। 1000 मेरे ख्याल से स्कूल जिले में एक ही स्कूल सर, 1000 समथिंग स्टैंड। और सर, और टीचर स्टाफ लगा हुआ है, प्रयास कर रहा है, और वहीं इसके चेयरमैन मिर्जा से कलेक्टर महोदय है जी। इसके बाद भी अधिकारी गण ये मतलब संज्ञान में, सीएमओ का ये आज से मेरे को लगता है 1.5 साल से यही कथन है कि मैं कल दिखवा लेता हूँ, तो अभी तक उनने मुकम्मल नहीं देखा, आके देख गया, दो बार देख गया, वो काम नहीं करवा रहा, जिससे अभी इस ठंडी में खेल कूद प्रतियोगिताएँ बहुत होती हैं, बच्चे वंचित थे खेल कूद से, ग्राउंड ही नहीं उनके पास। क्या नाम है? रूपाली मस्तान। कौन से हॉस्टल पे हैं? 100 कलाम सीनियर आदिवासी बालिका छात्रावास मंडला। अच्छा, यहाँ आपको क्या परेशानी क्या हो रही है? सर, यहाँ से जब हम जाते हैं हॉस्टल, तो यहाँ से लड़के लोग परेशान भी करते हैं, और जब बरसात में पानी भर जाता है तो हमें जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। कभी आपने कंप्लेन नहीं की आपके साथ इतनी सारी बार बार परेशानियाँ आ रही हैं? नो मैम। आपके अपने टीचर से, प्रिंसिपल से या हॉस्टल के लोगों से? नो मैम। हॉस्टल वार्डन को नहीं बताया अपनी समस्या? नो सर। अच्छा, यहाँ पे जो रास्ता था जी वाला जी, इसको प्रशासन के द्वारा बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है जी। तो बारिश में फिर क्या, कैसे जाते हैं वहाँ से? पानी भर जाता है वहाँ? सर, वहाँ पे पत्थर वत्थर डाल देते हैं, तो वहाँ से साइड से जाना पड़ता है। तो आप लोग ये चाह रहे हैं कि ये गेट जी सर खुल जाए सर, इससे आप लोगों को हॉस्टल नज़दीक पड़ेगा जी। और क्या समस्या है सर? और यहाँ से जाते हैं तो वहाँ पे बहुत कचरा रहता है, साफ़ सफाई भी नहीं रहता है सर, तो आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, वहाँ से बहुत गंदगी स्मेल आती है। और स्कूल से प्रबंधन कुछ नहीं कर रहा है इसका? नो सर। तो इसका मतलब स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के चलते ऐसा हो रहा है। और क्या समस्या है स्कूल में? खाना? अच्छा, आप लोग जब निकलते हैं, छुट्टी होती है, तो एक ही गेट है आपका, तो सबको एक साथ निकलना पड़ता होगा जी सर, उस समय आप लोगों को दिक्कत जाती है कि नहीं जाती है? यस सर, अगर दूसरा गेट आपका खुल जाए तो वो दिक्कत हल हो सकती है जी सर, तो आप चाहेंगे कि दूसरा गेट खुल जाए? जी सर, खुल जाए सर। सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन उनके द्वारा सफाई नहीं किया जाता है, हमारे यहाँ सर खुद करते हैं सब। अच्छा, और स्कूल की साफ सफाई बच्चे लोग करते हैं? नहीं, नो सर, होता है। क्लासरूम की सफाई सर होता है? कौन करता है? कर्मचारी लोग करते हैं। अच्छा, बच्चे लोग तो नहीं करते? नो सर। हमने नगर पालिका अधिकारी महोदय को भी यहाँ की जो समस्याएं हैं, प्रचार महोदय के विशेष निर्देशन पर जो है हमने यहाँ से पत्र भिजवाया गया है,
और प्रशासन को भी इसकी जानकारी दी गई है। और हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है कि ये गौरव दिवस आज मनाया जा रहा है। और वीर उदय चंद जो है, शहीद उदय चंद जो है, हमारे विद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं और उनका जयंती 10 नवंबर को हुआ था, तो उसके हम 100 वर्ष होने के उपलक्ष्य में जो है हम लोग जो है 10 तारीख से लेकर 16 तारीख तक जो है प्रतिदिन ये कार्यक्रम हम आयोजित करने जा रहे हैं, ताकि बच्चों के अंदर भी एक अपने देश के प्रति समर्पित होने की एक भावना पैदा हो। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी का, कि वो यहाँ पर आई, इस विद्यालय में आई और उन्होंने बच्चों को आश्वासन दिया है और समस्याओं को निराकरण करने के लिए उन्होंने जो है बात कही है अपनी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि देख रहे हैं ये उत्कृष्ट विद्यालय है और यहाँ पर जैसे 10 नवंबर को शहीद उदय चंद जैन जी का 100वां दिवस मनाया जा रहा है, वो पिछले एक हफ्ते से 10 के बाद आज 14, मतलब एक सप्ताह तक मनाया जाएगा, इस स्कूल के प्रबंधन द्वारा मुझे जानकारी मिली, तो बहुत अच्छी बात है, गौरव की बात है। और जैसा कि मैं दूसरी समस्या को लेकर आया था यहाँ पे, सही मंडला ज़िले में जो गौरव दिवस मनाया जा रहा है वो तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन यहाँ जो मना रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि एक सप्ताह तक गौरव दिवस मनाने का। बाकी तो शासन के द्वारा प्रशासन को कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो करवाते हैं तो उससे मैं बहुत स्पष्ट हमको तो नहीं है, मतलब खुश नहीं, क्योंकि यहाँ बाजू में जो देखने में आ रहा है इतना ज़िले का नंबर 1 स्कूल पहले भी हुआ करता था और अभी इतना बड़ा कैंपस है ना, यहाँ की सुविधाओं को देख के लगता है कि आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया जब से ये बना है, तो उसको ये तो अभी मैं आया हूँ तो बहुत एक हफ्ते में पूरा प्रयास करूँगा कि इसका निराकरण भी कराऊँ। और बड़े गौरव की बात है आज यहाँ पर आया तो उदय चंद जैन जी का जो सप्ताह भर मनाने का, तो ये सही में ये गौरव की बात है ज़िले के लिए। प्रशासन जो मना रहा है वो उतना गौरवान्वित नहीं है, वो तो मुख्यमंत्री जी या सरकार द्वारा बोलने पे मनाया जा रहा है, तो वो साफ दिख रहा है, बताने की ज़रूरत नहीं मुझे। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।